मॉर्निंग दोस्तों, ऑरेंज सिटी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं ये महेश जी पतंगवाला के वहाँ पे, और हम आपको यहाँ पर खिलवाने लाए हैं दही कुरकुरे और दही फिंगर्स, जो यहाँ पे काफ़ी मशहूर है महेश जी के। तो चलिए हम आपको उनसे मिलवाते भी हैं, और ये कैसे दही कुरकुरे बनाते हैं, कैसे इसका टेस्ट होता है, ये भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं महेश जी से। सर नमस्कार। नमस्ते सर। जैसे आपने शॉप पे नाम दिया है महेश पतंग वाला, आप एक्चुअली बिजनेस तो आपका कुछ अलग है, और जैसा हमने सुना भी है काफी नागपुर में आप फेमस हो ये दही कुरकुरे खिलवाने के बारे में। हाँ। तो ये इसका कैसा जर्नी है थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। पतंग की दुकान शुरू से पतंग की थी दुकान। ओके। और धीरे धीरे कारोबार बढ़ते गया तो दूसरे टिप भी रखते गए। अच्छा। कुट के सामान, खाने के सामान। ओके। जनरल के सामान, बॉडी स्प्रे वगैरह हो गया, पूरे आइटम धीरे धीरे बढ़ते गया। पतंग तो 12 महीना बेचते हम अभी भी। हाँ अभी भी। पतंग अभी भी बेचते हैं। ओके। देखिए आइए। अच्छा अभी सीजन नहीं है फिर भी बेचते। राइट। काफी वैरायटी के अलग अलग सीजन नहीं है इसलिए वैरायटी नहीं दिखेंगे। ओके। नागपुर के पब्लिक को ये जो दही कुरकुरे वगैरह खिला रहे हो। हाँ। थोड़ा ये कब से आपने स्टार्ट किया इसको? बहुत साल हो गए इसको भी। हाँ। कई जमाने से चालू है। जमाने से लगभग तो भी 15-20 साल तो हुए रहे। हाँ, हो गया। अच्छा, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताना है आप दही कुरकुरे और दही फिंगर्स जो भी आप बनाते हो ये कैसे। हाँ। बनाते हैं ये आप दिखाइए जरा। हाँ बिल्कुल, दिखाएंगे ना, दिखाएंगे भी खिलाएंगे भी जी। ये जो फिंगर वगैरह सर ये सब अपने घर में ही बनता है क्या, कैसा? ये फिंगर बाहर से लाते, मसाला इधर लगा। मसाला इधर लगा पहले बना रहे। अच्छा, मसाला अपना होम मेड है। मसाला अपना एक दूध वाले। ओहो ये देखिए। काफी ऊपर से ये हो गया फिंगर्स के ऊपर घी का टॉपिंग्स। और ये क्या है सर? ये चाट मसाला। चाट मसाला, सेंधा नमक। अच्छा, ये लाल मिर्च। लाल मिर्च, ये भी अपना होम मेड है। ये कुरकुरे कौन से है सर? ये कुरकुरे तो बढ़िया है, साकान से लाते हो। अच्छा, वो कुकर नहीं जो टीवी में दिखा, लेस वाला नहीं है। अच्छा, वो वाला नहीं है, ये अलग कारखाने में बनता है। अच्छा, ये हो गए दही कुरकुरे रेडी। चलिए टेस्ट करते हैं। दही का भी अलग ही स्ट्रक्चर आ रहा है और कुरकुरे के साथ तो अलग ही बढ़िया। ये सर आपको कॉम्बिनेशन कैसा सूझा दही और कुरकुरे का? अभी क्या बताऊँ आपको, एक घर में बैठे बैठे मालूम पड़ा कि ये बनाओ बनाओ, उसमें मालूम पड़ गया कि टेस्ट अच्छी है, फिलहाल लोगों को खिला के दिखाना चाहिए। उन्होंने पसंद किया, धीरे 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 बढ़ते गए। लोग बाहर से भी खाने आते हैं, दूर से भी लोग खाने आते हैं। अच्छा, और वाकई में ये कुछ अलग ही, मैं भी नहीं सोचा था इतना ही ये टेस्टी लगेगा दही कुरकुरा। कभी ट्राई नहीं किया, कभी दिमाग में नहीं आया ऐसे किसी के। नहीं, बढ़िया, सही। चलिए, थैंक यू सर जी।